खबरों की पड़ताल मैं आपके साथ में हूं काजल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी। आज हम सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत कोरसर ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। कोरसर ग्राम पंचायत में आज कोरोना वायरस जैसे महामारी को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के लोगों को मास्क एवं साबुन का वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार भीड़ की ओर कैमरा को घुमाएंगे और देखेंगे सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करते हुए एक से डेढ़ मीटर की दूरी पर खड़े हैं और अपना अपना जब इनका नंबर आता है तो यहाँ मास्क और जो है साबुन लेते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कोरसर ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है विषय को लेकर। पकड़िए मतलब ये कोरोना वायरस के लिए हम जो अपने उच्च संविधान में पंचायत भवन में लेकर आए हैं मास्क और साबुन के एक एक पीस की वितरण कर रहे हैं, जिसमें गरीब भाई अपने हाथ धो के साफ सुथरे से भोजन करें। आपसे जानना चाहेंगे जैसे यहाँ मास्क है, मान लीजिए घर के सदस्य ये आए हुए हैं तो इनको कितना मास्क और कितना साबुन आपके द्वारा दिया जा रहा है? जैसे विवाह नहीं हुआ है, अगर सम्मिलित परिवार है तो उनको मास्क जितने परिवार हों देंगे और एक पीस साबुन। देखिए, ये कोरसर ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जिस घर में जितने व्यक्ति हैं सभी को अलग अलग मास्क और साबुन वितरण किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कोरसर ग्राम पंचायत का जो है सराहनीय कार्य है, क्योंकि कोरसर ग्राम पंचायत में भी कई ऐसे तिहाड़ी मजदूर गरीब तबके लोग हैं जो मास्क या साबुन, जो ऐसा कहा जाता है कि मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइजर या साबुन से लगातार हाथ धोते रहना है, तो ऐसे परिस्थिति में बहुत ऐसे गरीब तबके लोग हैं जो मास्क नहीं खरीद सकते या इसका पालन नहीं कर सकते। तो इसके लिए कोरसर ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि देश में कोरोना जैसे महामारी फैली हुई है उसको लेकर सबसे ज़्यादा आपसे बताना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अनिवार्य है। आप सबसे निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें ताकि कोरोना जैसे महामारी से निजात मिल सके। सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे कि सिंगरौली ज़िले में अभी तक लोग जैसा अफवाह उड़ाते हैं यहाँ मरीज मिले वहाँ मिले, लेकिन आपको बताना चाहेंगे सिंगरौली ज़िले में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक में नहीं मिले हैं। कैमरामैन कंचन द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, भारत न्यूज़ टीवी, सिंगरौली।